बहुत से ऑन्ट्रप्रनोर्स एंड स्टार्टअप फ़ाउंडर्स जो एक नॉन टेक्निकल या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनके मन में यही होता है कि अगर हमें ऐप बनानी भी है तो हमें क्यों करने की जरूरत है सिंपली आउटसोर्स कर दो किसी फ्रीलैंसर को दे दो या किसी एजेंसी को दे दो बिकॉज इट इज़ द ईजिएस्ट वे आउट ये एक बहुत बड़ी गलती है स्पेशली अगर आपका कोर बिजनेस ही आपकी वो ऐप आप है अगर आपका प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल ऐप है और अगर आप उस ऐप को बिगिनिंग से बना रहे हो देन आई वुड रिकमेंड यू टू नॉट आउटसोर्स इट बट लोग आउटसोर्स करते ही क्यों है सारे ऑन्ट्रप्रनोर्स को मन क्यों करता है कि हम किसी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें? देर टू मेजर रीजन फॉर दिस रीज़न नंबर वन दे वॉन्ट थिंग्स टू हैपन फास्ट उनको ये होता है कि मेरे पास छः महीने हैं मुझे फटाफट से इन्वेस्टर्स को दिखाना है फटाफट से प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मुझे नहीं पता डिज़ाइन कैसे काम करता है मुझे नहीं पता किसे हायर करना है सबसे ईजी तरीका ये है कि, कि किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो बट इसका मेन डाउनसाइड ये है कि चाहे फ्रीलैंसर हो या एजेंसी हो या कोई भी कंपनी हो जिसको आपने ऐप आप का काम दिया है आप उनके लिए क्लाइंट हो उनके पास बहुत से कस्टमर्स हैं बहुत से और लोग हैं बहुत से और ऐप्स हैं और आप उनमें से एक हो बाई नेचर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दियर अनडिवाइडेड अटेंशन एट ऑल कॉस्ट एंडलिंग जब आप एप बिगिनिंग से बना रहे होते हो यू नीड पीपल हुआ इन दोसेस यू नीड अ डिजाइनर थिंकिंग अबाउट हाउ टू इंप्रूव दी ऐप रीजन नंबर टू ऑंटरप्रनोर खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो ठीक डिसीजन लेगे या नहीं लेगे तो उनको होता है कि हम किसी रिलाएबल पर्सन पे ट्रस्ट कर ले सो दट दिस पर्सन टेक्स ऑल द रिस्पांसिबिलिटी एंड हम बाकी चीजों पर ध्यान दे सके नो दिस मेक्स

बट अगर आपकी पूरी की पूरी कंपनी अगर आप एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बिगनिंग से बनाना चाह रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसी सॉफ्टवेयर से मेरा सारा धंधा चलेगा मेरा सारा रेवेन्यू आएगा उस केस में यू कैन नॉट आउटसोर्सड आई विल टेल यू इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का प्रॉपर तरीका क्या है सो यू नीड थ्री पीपल इन द बिगनिंग हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस करा है कि यू नीड अ पर्सन फॉर योर ब्रांड आइडेंटिटी यू नीड अ वेब डिज़ाइनर एंड अ प्रोडक्ट डिजाइनर निगनिंग में स्टार्टअप्स में बजट कम होता है लोग भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो काफ़ी केसेस में आप जिस भी डिजाइनर को हायर करते हो काफ़ी केसेस में वो ही आपकी मार्केटिंग वही आपकी वेबसाइट वही आपकी वीडियो सब कुछ वो एक ही डिज़ाइनर कर रहा होता है एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि आपको एक अच्छा पर्सन मिल भी जाए तो देन यू लाइक वाई शुड आई ट्रस्ट अदर पीपल तुम ही थोड़ा सा कुछ यूट्यूब गूगल से सीख के एग्जीक्यूट कर लो बिगिनिंग में ये सब चलता है बिकॉज यू कैन स्टिल सॉर्ट ऑफ हैव अ बेसिक वेबसाइट अ बेसिक सोशल मीडिया प्रोफाइल बट हाँ प्रोडक्ट की जब बात आती है यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस वन पर्सन इज वर्किंग सुपर हार्ड मैं अभी आपको एक हाइब्रिड पर्सन के बारे में बता रहा हूँ जो वेब भी कर ले मार्केटिंग भी कर ले थोड़ा सा डिजाइन भी कर ले ऐसे लोगों को यूनिकॉर्न बोलते हैं हाइब्रिड डिजाइनर बोलते हैं जो बिगनिंग में ठीक है क्योंकि बिगनिंग में आपको बहुत जल्दी ग्रो करना पड़ता है बट जैसे ही आपका स्टार्टअप छः सात महीने का ओल्ड हुआ या जैसे ही आपकी ऐप को बने छः सात महीने होए जैसे आपके पास कस्टमर्स आए उस टाइम पे यू नीड स्पेशलाइज्ड पीपल एक पॉइंट के बाद आपको डेडिकेटेड लोग चाहिए होते हैं फॉर द मार्केटिंग फॉर The website for the product, and in fact, in unicorns, ko dhundna bhi not easy nahi hota because, first of all, they're expensive and it's very difficult to convince them to join your company. But as I mentioned, iske bahut downsides downsides because that one person is gonna do three things at one go, so you need someone who is ready to put in that amount of effort and energy and make sure that he's not ignoring certain aspects in you know different domains. जब आउटसोर्सिंग की बात आती है तो ब्रांड आइडेंटिटी हो गई वेबसाइट क्रिएशन होगा यहाँ पे आप स्टिल आउटसोर्स कर सकते हो क्यों क्योंकि एक बार आइडेंटिटी बन जाए एक बार ही लैंडिंग पेज बन जाए तो आपको रेगुलरली उसमें आइट्रेशन नहीं करनी पड़ती तो इट्स स्टिल ओके आपने किसी को दो तीन महीने के लिए बुलाया वहां पे काम करा और उसको बाय बाय बोल दिया बट प्रोडक्ट्स में आउटसोर्स क्यों नहीं कर सकते उसका मेन रीजन ये है कि आप जिस भी पर्सन को इनिशियल डेज में लाओ के इस ऐप को बनाने के लिए अगर वो पर्सन इस ऐप को ठीक से बनाता है तो इस ऐप के बिहाइंड एक सिस्टम होता है लेट कर लो आपने किसी को आउटसोर्स कर दिया उन्होंने आपकी ऐप आप बना दी उस ऐप के पीछे का एक सिस्टम है अब ये जो पर्सन था जिसको आपने आउटसोर्स करा ये पिक्चर से बाहर हो गया और नए डिजाइनर्स आए इन नए डिज़ाइनर्स को सिस्टम को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये सारा सिस्टम जैसे फिग्मा एक टूल है वहां पे बनता है तो एक नए डिज़ाइनर के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है उसको समझ नहीं आता कि इन कंपोनेंट्स को बनाने के पीछे का स्ट्रक्चर क्या है लॉजिक क्या है सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके इनिशियल डिज़ाइनर्स हैं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टिक रहे क्योंकि वही सिस्टम बनाएंगे एंड इन द लॉन्ग रन उस सिस्टम की मेंटेनेंस में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा तो अब हमें समझ आ गया कि हमें फुल टाइम फोक्स चाहिए अच्छे लोग चाहिए बट क्वेश्चन ये आते हैं कि अब इनको हायर कैसे करें? सी हायरिंग से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्योंकि सारे डिजाइनर्स आपकी जॉब पोस्टिंग को देखने से पहले ये देखेंगे कि आपका ब्रांड कैसा है आपके ब्रांड का नाम क्या है लोगो क्या है एंड यू एक्स डिजाइनर आर वेरी विजुअल क्रीचर सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कहीं पे भी जॉब पोस्टिंग डाल रहे हो अभी आगे जाके मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस एग्जैक्ट वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे आप जॉब पोस्टिंग डाल सकते हो कहा से हायर कर सकते हो बट हायरिंग से पहले आपका बेसिक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है वरना कोई भी डिजाइनर जो भी आपकी जॉब पोस्टिंग देखेगा वो आपको सीरियसली नहीं लेगा तो इसमें क्या क्या आता है इसमें आपका लोगो आता है नाम आता है

फिर उनको फुल टाइम में कन्वर्ट करना बिकॉज यू बोथ नीड टाइम टू अंडरस्टैंड इफ इज वर्किंग और नॉट यही अगर आप अच्छे डिजाइनर्स को हायर करते हो तो वो तो इंटर्नशिप पे आएंगे नहीं दे कम ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट तो तीन महीने का पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है अगर तीन महीने में आप दोनों की टाइमिंग ट्यूनिंग बैठ जाती है देन यू कन्वर्ट दैट थ्री मंथ कॉन्ट्रैक्ट इंटू अ फुल टाइम जॉब इंटर्नशिप की बात की जाए तो स्टाइपली वही ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड के बीच में रहता है एंड जब फुल टाइम आप आते हो तो देन आपको सैलरी बढ़ानी पड़ती है ये स्टूडेंट्स में चल जाता है बट जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो जो मंथ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी ही उनकी सैलरी होती है तो वहाँ पे आप ये नहीं सकते कि आप पहले तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाओ कम पैसे ले लो, फिर जा फुल हो के तो वहाँ पे सैलरी बढ़ा देंगे ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता तो प्लीज आप ये कोशिश मत करना तो chapter, इन द नेक्स्टर वी विल फिगर आउटाइनर्स को हायर कैसे करते हैं कहाँ हायर करते हैं कौन सी वेबसाइट्स पर जॉब पोस्टिंग डालते हैं जब हायर करें तो शॉर्टलिस्ट कैसे करना है उनको डिजाइन टास्क कैसे देना है उस डिजाइन टास्क को कैसे जज करना है क्योंकि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने सही लोग हायर नहीं करे तो आप